हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिन चिंतक के बारे में पढ़ेंगे वो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है या दर्शन है उनसे संबंधित रखते हैं। तो उपयोगितावादी जो दर्शन है उसमें प्रमुख है जो कि राजनीतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से जिन्हें उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, जर्मी बेंथम। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि आपके सिलेबस में हैं, इनका अध्ययन हम उपयोगितावादी विचारकों के संदर्भ में करेंगे। लेकिन इससे पूर्व जर्मी जो बेंथम है उनसे पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि जो उपयोगितावादी जो दर्शन है वो वाकई में क्या है, जिससे कि हमें उनके जो चिंतन है उसको समझने में आसानी होगी। तो मौलिक रूप में जो उपयोगितावाद है वो ब्रिटिश राजनीतिक जो दार्शनिकता है उसकी उपज है, और इसके सभी जो विचारक हैं वो इंग्लैंड के ही निवासी थे। वैसे जो औद्योगिक क्रांति है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिस एक नए वर्ग का एक बड़े पैमाने पर उदय हुआ था इंग्लैंड में वो था मध्यम वर्ग, और इस मध्यम वर्ग के चिंतन से ही संबंध रखने वाला है उपयोगितावाद। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वाद में इस दर्शन की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही कि इस युग को उपयोगितावादी युग कहा जाता है। जो राजनीति विज्ञान से बाहर जैसे पहले हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, हेलविटियस, बकेरिया आदि इनके समर्थक थे, उन्हीं के विचार स्रोतों से इसका पोषण हुआ था। और इसको जो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से शास्त्रीय और व्यवस्थित रूप देने का कार्य और राजनीति के क्षेत्र में से लागू करने का जो श्रेय जाता है वो है जर्मी बेंथम को जाता है, जो उन्होंने जो राज्य द्वारा अधिकतम संख्या के अधिकतम हित के जो पुराना सिद्धांत है उसी को लोकप्रिय और शक्तिशाली बनाया। प्राचीन यूनान से यानी प्राचीन काल से ही जो एपिक्यूरियन जो संप्रदाय है वहाँ से इसका संबंध माना जाता है, क्योंकि वो मनुष्य पूर्णतया सुखवादी है, सुख की ओर दौड़ता है, दुख से बचता है, वो इनके चिंतन का फल था। फिर सेरेनाइक वर्ग के जो प्रचारक हैं हॉब्स ने भी राज्य की आवश्यकता की दृष्टि से उपयोगितावाद का समर्थन किया, लॉक ने भी किया। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड की जो आर्थिक और जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों ने इस सिद्धांत को बहुत कुछ निश्चित स्वरूप प्रदान किया था। और जो मिल हैं, बेंथम हैं, और मिल के जो सुपुत्र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल वो हैं, उन्होंने इसको एक महत्वपूर्ण दर्शन बनाने का कार्य किया। तो अब हम उपयोगितावाद के जो सिद्धांत हैं कौन कौन से वो सिद्धांत हैं, क्या उपयोगितावाद का अर्थ हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उपयोगितावाद जो कि सर्वहित कल्याण की भावना में निहित है यानी सार्वजनिक कल्याण की भावना में निहित है, इस प्रकार से ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं होकर अपने समय का एक व्यवहारिक आंदोलन था जिसने समाज और राज्य की परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संशोधन होते रहे। जैसे जैसे समाज में जो परिस्थितियाँ उठी और उनके निवारण के लिए जो संशोधन हुए, जो कि आम में उनकी जब प्रचलन बढ़ा तो उसके अनुसार ये दर्शन भी बढ़ता चला गया। तो इसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा देना कठिन होगा, और उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पहुंचाने में रुचि रखता है तथा व्यवहारिक कार्यों और बौद्धिक आधार पर जो लोगों की जो दशा है उसे सुधारने और सक्रिय राज्य की जो कानून है उनके द्वारा जो जन समूह है उसका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने में विश्वास करता है। तो इस प्रकार का ये एक व्यवहारिक दर्शन है उपयोगितावाद। अब इसके यदि हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो जैसे पहला एक यह एक ऐसा दर्शन है जो किसी वस्तु के नैतिक और भावात्मक पक्ष पर ध्यान न देकर उसके यथार्थवादी पक्ष को ही ये देखता है, और इससे इसने यह प्रेरणा सुखवाद से ली है जिसका आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और दुख से सदैव बचना चाहता है। और वो मानता है कि जो कार्य अच्छे हैं जिनसे सुख मिलता है वो कार्य अच्छे होते हैं, और जो कार्य जिनसे करने से दुख होता है वो बुरे होते हैं। दूसरा, उपयोगितावाद प्रयोगात्मक व्यवहार प्रधान है और जिसका अनुभव ही प्रमुख आधार माना गया है, और उपयोगितावाद का संबंध जीते जागते व्यक्तियों और जो जीवन की जो ठोस वास्तविकताएं हैं उनसे इनका संबंध रहा है, न कि
काल्पनिक व्यक्तियों और अमूर्त सिद्धांतों से इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक नीति शास्त्र है और राजनीति से इसका घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अगला उपयोगितावाद जो सिद्धांत है उसको मानने वाले सभी लोग क्या हैं, व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज के लिए। तो राज का जो औचित्य है वो इसी में है कि वो अपने नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करे, अर्थात जो भी ऐसे वो कार्य सब करे जिससे कि जनकल्याण हो और जिसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को आनंद की प्राप्ति हो। और उपयोगितावाद यह भी मांग करता है कि राज्य नागरिकों के विकास के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न होती है उनका वो निराकरण तुरंत प्रभाव से करे और उसके निराकरण के लिए जो भी विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है उनको राज्य बखूबी तरीके से निपटाए। तो एक आवश्यकता यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ मानव प्रेम और सह अस्तित्व के बंधनों से बंधा रहे। तो व्यक्ति के विकास के लिए यहाँ समाज का अस्तित्व भी आवश्यक माना गया है। तो उपयोगितावाद जो संघवाद पर बल देता है और मानव के सर्वांगीण जो विकास है उसके लिए संघवाद को आवश्यक समझता है। तो इस दृष्टिकोण से जो उपयोगितावाद है वो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मनोवैज्ञानिक विधि से मानव मस्तिष्क के तत्वों का विश्लेषण करता है। तो ये उपयोगितावादी जो दर्शन है उसकी प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयोगितावाद एक व्यवहारिक आंदोलन रहा है और इसको चलाने में जो व्यवस्थित जो सहयोग प्रदान किया है वो जर्मी बेंथम, जेम्स मिल और उनके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आज हम जो जर्मी बेंथम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जर्मी बेंथम है उनका जन्म 1748 को लंदन में एक बड़े ही संभ्रांत परिवार में हुआ था और जैसा परिवार था उसी के अनुसार उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ये एक उनकी विद्वानता का उदाहरण है कि 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। और उनका बौद्धिक विश्लेषण इस प्रकार से था कि शुरू से ही वो जब उन्होंने स्नातक की तो वकालत शुरू की, उसके बाद जो भी प्रचलित उस समय के जो कानून थे उनमें वो भारी त्रुटियाँ ढूंढने लगे थे और अपनी पुस्तक जो उनकी बड़ी फेमस पुस्तक है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट उसमें उन्होंने जो ब्लैकस्टोन जो कि बड़े इंग्लिश कानून विशेषक माने जाते थे उनका जो सिद्धांत थे उनकी बुक में उसमें उन्होंने उनकी भारी धज्जियाँ उड़ाई और जिससे उनको काफ़ी सफलता मिली। यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, भारत और मैक्सिको, चिली जो भी देश है जहाँ की विधि संहिता में जातीय और वर्गीय विभेद, अंधविश्वास जैसी जो बातें वर्णित थी उनका सही मायने में संकलन करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। जल कल्याण के उद्देश्य से इन्होंने जो मिस्र की जो स्वेज नहर है उसके निर्माण का सुझाव भी इन्होंने दिया था और अपने दीर्घकालीन जीवन में जो कि 84 वर्ष में उपयोगितावाद के सुधारवाद और उसकी नींव सुदृढ़ करने में इन्होंने अपना समूचा जीवन लगा दिया था। तो 18 शताब्दी के अपने जीवन काल में जो उपयोगितावादी विचारधारा है उस पर आधारित अपने नवीन दर्शन के प्रकाश में इन्होंने इनको जूझता हुआ एक रूढ़िवादी इनको बना दिया था, किंतु 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वो वापस से एक नवीनतावादी बन गए और अपने जीवन के उत्तरार्ध में जो रूढ़िवादी बेंथम थे वो जनतंत्रवादी बन गए और देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक भाग लेने लगे। तो इस प्रकार से 1832 में इस महान दार्शनिक की जो विचारधारा है उसकी गति थम गई। तो 1832 में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी द्वारा जो रचनाएं थी, एक महान लेखक थे और उन्होंने अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, धर्म, बैंक प्रशासन, जनगणना, समाज सेवा इन आदि विषयों पर ढेरों पुस्तकें लिखी थी और जिनमें सबसे जो फेमस पुस्तकें इनकी थी वो थी फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो इस प्रकार से इनकी ये बड़ी फेमस बुक थी जिनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थी वो थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो ये इनका जीवन परिचय था और इनका जो रचनात्मक परिचय था। अब हम इनका जो पहला जो सिद्धांत है बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत उसकी चर्चा करेंगे। तो बेंथम की जो उपयोगितावाद की जो नींव है वो सुख दुख की मात्रा पर ही आधारित है।
अर्थात जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है वह उपयोगी और उचित मानते हैं, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वो अनुपयोगी और अनुचित इन्होंने उनको कहा है। अर्थात ये मानते हैं कि मनुष्य के जो भी कार्य हैं अर्थात सभी कार्य हैं उनकी कसौटी का एकमात्र मापदंड क्या है, उपयोगिता है। तो इसका संबंध व्यक्ति के जीवन से ही नहीं अपितु प्रशासनिक कार्य से भी रहा है कि मनुष्य के कार्य सुख दुख पर आश्रित हैं और यही सुख दुखवादी उपयोगिता मानी गई है। बेंथम का ही कथन है कि उपयोगितावादी सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे कि संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती और घटती है और जिसके आधार पर प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराया जाता है, और जिससे हमें सुख मिलता है या सुख नष्ट होता है वह उससे उन कार्यों का मापदंड निश्चित होता है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं यह बात प्रत्येक कार्य के लिए कहता हूँ, इसलिए मेरी यह बात केवल किसी व्यक्ति पर ही नहीं वरन प्रत्येक सरकारी कार्य के संबंध में भी लागू होती है। और सुख और दुख ही मानव जीवन को गति प्रदान करते हैं, और इसी दृष्टि से जो प्रकृति है उसने मानव समाज को दो सर्वाधिक संपन्न स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है, और इन स्वामियों का यही कर्तव्य है कि वे हमें निर्देश दें कि हमें क्या करना चाहिए और यह निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। तो उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंथम जो कि अपने इस दर्शन में ये मानते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड है कि वह कहाँ तक सुख में वृद्धि करती है और कहाँ तक दुख को कम करती है। तो बेंथम के जो विचार है उसके अनुसार सुख स्वयं ही जीवन का साध्य है और शेष सब जो भौतिक वस्तु है वो सब सुख प्राप्ति के साधन माने गए हैं। तो इस दृष्टि से इस विश्लेषण के आधार पर जो बेंथम है वो मानते हैं कि जो सुख है वो चार प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, धर्म के द्वारा, राजनीति के द्वारा, नीति के द्वारा और भौतिक साधनों के द्वारा। तो जिसमें भी मनुष्य का अधिक विश्वास है और उसके द्वारा यदि उन्हें सुख मिलता है तो वो उस प्रकार से वो उसका साधन माना जाएगा। जैसे मनुष्य को धर्म में विश्वास करने में सुख मिलता है तो उसे धर्म प्रदत्त सुख कहा जाएगा। तो बेंथम का ये जो उपयोगितावाद के संबंध में जो धारणा रही वो धारणा ही सभी उपयोगितावादियों के विश्वास का केंद्र बनती चली गई और मानव समाज के जो संपूर्ण कार्यकलापों का जो संचालन है वो पूर्णतः तार्किक नापतोल द्वारा होना चाहिए, ये धारणा बाद के आने वाले उपयोगितावादियों में यह सही सिद्ध हो गई। और इसके लिए जो बेंथम है उन्होंने एक सुखवादी मापक यंत्र यानी हेडोनिस्टिक कैलकुलस विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित किया कि हम जो सुख और दुख है उनको हम माप भी सकते हैं। तो जो हेडोनिस्टिक जो आचार शास्त्री है उनकी भांति बेंथम का भी यह मत था कि जो सुख और दुख है उसको मापा जा सकता है, जिसने रूप भी बताया जैसे गहनता, अवधि, निश्चितता। अर्थात वह व्यक्ति यदि किसी कार्य को करेगा तथा समय की दूरी और जिसके अनुसार वह घटित होगा और एक सुख या दूसरे को प्रभावित करेगा तो इस ओर भी इनका ध्यान दिया जाना चाहिए। तो वो ये मानते हैं कि जो सुख और दुख है, जो सुख है उसके 14 भेद उन्होंने बताए, जैसे संगति संबंधी सुख, धर्म से उत्पन्न सुख, यश का सुख, मित्रता का सुख, इस प्रकार से उन्होंने 14 सुख बताए हैं। उन्होंने 12 प्रकार के दुख भी बताए हैं जैसे कल्पना, दया, निर्दयता, शत्रुता, परेशानी, इस प्रकार के उन्होंने 12 दुख भी बताए हैं। वो ये कहते हैं कि परिणाम और जो मात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए इनका अनुपात भी कम या अधिक हो सकता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनका जो मापदंड है उसके लिए वो कुछ मापदंड बताते हैं जिनके आधार पर ये तय किया जाता है, जैसे तीव्रता, कालावधि, निश्चितता, समय की निकटता अथवा दूरी, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। तो इनमें से जो शुरू की जो 6 बातें हैं वो व्यक्तिगत सुख दुख के मापदंड है, किंतु समय अथवा जो अनेक व्यक्तियों के सुख का जब परिणाम ज्ञात करना है तो हमें विस्तार पर ध्यान देना होगा।
तो जो सुख दुख की जो गणना बेंथम ने बताई है उससे इस सिद्धांत को राजदर्शन के इतिहास में हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं। तो बेंथम की मान्यता है कि प्रत्येक का उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त करना है, अतः सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे निश्चित विशुद्ध लाभदायक स्थिर और जो तीव्र वो सुख उत्पन्न हो सके और सभी को उसकी प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से बेंथम ने जो उपयोगितावादी अपनी धारणा है उसका विश्लेषण इस आधार पर उन्होंने किया और ये भी माना कि जो व्यक्तिगत सुख है उसको अधिक महत्व देने के बाद सामाजिक सुख को भी महत्व देना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है, जैसे उपयोगितावाद का प्रमुख उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस दृष्टि से जो राज्य का जो उद्देश्य है वो भी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उन्होंने माना है, और जो उपयोगितावाद है वही सभी कार्यों के औचित्य का मापदंड उन्होंने माना है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी जो उपयोगितावादी जो धारणा है वो उन्होंने प्रस्तुत की है। अब अगला हम उनके बेंथम का जो राजदर्शन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि राज्य और राज्य से संबंधित जो जुड़ी हुई बातें हैं कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया, राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से अपना सिद्धांत दिया। अपना सिद्धांत देने से पूर्व पहले उन्होंने पूर्व में प्रचलित जो भी धारणाएं थी, जैसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, अनुबंधवादी जो धारणा है, उन सब का खंडन करते हुए उन्होंने बाद में अपना सिद्धांत राजदर्शन संबंधी जो सिद्धांत हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस दृष्टिकोण से बेंथम ना तो कोई राजदार्शनिक था ना ही उनका ध्येय किसी राजदर्शन को प्रतिपादित करना था। तो एक महान दार्शनिक की अपेक्षा उन्हें एक व्यवहारिक राज सुधार कहा जाए यही उपयुक्त होगा। तो उन्होंने अपने सुधारवादी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के लिए ही राज संबंधी जो विचार हैं उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उसको उन्होंने दो भागों में प्रस्तुत किया, एक निषेधात्मक और दूसरा विधेयात्मक। निषेधात्मक के माध्यम से उनने पूर्ववर्ती जो भी धारणाएं थी उनका खंडन किया और इसी कारण उन्हें एक क्रांतिकारी सुधारक या क्रांतिकारी विचारक के रूप में भी जाना जाता है, उनको नाम तक दिया जाता है रेडिकल के रूप में। विधेयात्मक जो भाग है उसमें उसने जो भी राज संबंधी जो विषय हैं उनको इसमें प्रकट किया है, अर्थात विधि, संप्रभुता आदि किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से राज अपना कार्यों का संचालन करेगा, वो सब इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है। तो अपना राजदर्शन प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने सबसे पहले तो जो प्राकृतिक अधिकार के जो सिद्धांत हैं उनका खंडन करके अपने राजदर्शन की शुरुआत उन्होंने की है। तो आदर्शवादी और काल्पनिक जो सिद्धांत हैं उनमें बेंथम की कोई रुचि नहीं थी, वो जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को अधिक महत्व देते थे और अपने समकालीन समाज की जो समस्या है उनका जो भी समाधान हो उनकी खोजने की चेष्टा में वो हमेशा लगे रहते थे। और इसी दृष्टि से लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है उसको वो अमान्य ठहराते हैं, क्योंकि वो इस विचारधारा को मूर्खतापूर्ण, कल्पित और आधारहीन अधिकार एवं एक आध्यात्मिक रूप से एक घोटाले का रूप या घोटाले का नाम वो इसे देते हैं। तो लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का विरोध करते हुए वो कहते भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो उपयोगितावादी जो संबंधी धारणा दी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, सुख के पीछे ही मनुष्य हमेशा दौड़ता है, उसी के संबंधित जो भी कार्य है वो करता है, तो लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है उससे व्यक्तियों के सुख में कोई वृद्धि नहीं होती है। जबकि वो कहते हैं कि उपयोगितावाद का जो सूत्र है वो है ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, लेकिन लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उससे व्यक्तियों के सुख में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो बेंथम कहते भी हैं कि जो अधिकारों का जो निर्माण है वो सामाजिक परिस्थितियों जन्य होता है। अधिकार क्या होते हैं कि मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य ही संपूर्ण अधिकारों का स्रोत होता है। तो इस दृष्टि से नागरिक राज्य के विरुद्ध अपने किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। तो बेंथम कहते हैं कि अधिकार वही श्रेष्ठ है जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो, और इस दृष्टि से वो प्राकृतिक अधिकारों का जो लॉक की जो धारणा है उसका खंडन करते हैं। इसी दृष्टि से जो अनुबंधवादी
या सावयवी सिद्धांत है जो मानते हैं राज की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, उनका वो खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि आज्ञा पालन का जो कर्तव्य है वो कोई निश्चित प्रतिपादन इन सिद्धांतों के माध्यम से उसका सुनिश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो राज्य का पालन इसलिए नहीं करता कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए इस प्रकार का कोई समझौता किया है। वो राज की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है। तो उपयोगिता भी यही वो मापदंड है जो कि आधार बनता है व्यक्तियों का कर्तव्य के रूप में राज के प्रति। तो सामाजिक उपयोगिता के विचार से ही राज का जन्म होता है, क्योंकि कर्तव्यों की अनुपालना एक प्रकार की आदत बन जाती है, और जिस समूह में इस प्रकार की आदतें बन जाती है वो राजनीतिक समाज कहा जाने लगता है। और आदत ही समाज और राज का आधार है, कोई किसी भी प्रकार का समझौता किसी राज का आधार नहीं है। तो इस दृष्टि से उन्होंने अनुबंधवादी जो धारणा है उसका खंडन भी किया है। अब उनकी बेंथम की जो राज संबंधी जो धारणा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसका कि प्रमुख जो आधार है वो है उपयोगितावाद। तो वो कहते हैं कि राज्य को मनुष्यों का ऐसा समूह है जो कि मनुष्य ने अपने सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। तो इस दृष्टि से राज्य का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र और जो उसका जो विकास है उसको करना राज्य का कोई कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य का कर्तव्य है व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति कराना। तो इस दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि जो अधिकतम सुख है वो राज्य के सदस्यों के व्यक्तिगत सुखों का एक योग मात्र है, जिसमें समस्त राज्य का सामूहिक हित शामिल नहीं है, बल्कि समाज की दृष्टि में जो समाज है वो क्या है, एक काल्पनिक निकाय है, जबकि जो राज है वो क्या है, एक वास्तविक निकाय। तो इस दृष्टि से बेंथम मानते हैं कि राज एक विधि निर्माता निकाय है, न कि समुदाय, जिसका ध्येय क्या है, जनता का नैतिक कल्याण करना। तो इस दृष्टि से वो मानते हैं जो राज्य है वो हमेशा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी उपयोगिता की दृष्टि से जो भी कार्य है वो करना राज्य का प्रमुख उद्देश्य बेंथम बताते हैं, और जिसका प्रमुख आधार वो उपयोगितावाद को ही सिद्ध मानते हैं। तो बेंथम के जो अन्य जो विचार हैं, जैसे कानून संबंधी विचार हैं, न्याय व्यवस्था संबंधी जो विचार हैं, दंड संबंधी विचार हैं, और अन्य जो सुधारवादी विचार हैं, उनकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।